जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं, वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। सालों से कोर्ट के कागजों में दबी हुई थी, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको आवाज भी मिली, अभिव्यक्ति भी मिली। ये देश की कल्पना राम और रामचरित्र के बगैर कर ही नहीं सकती। जो इस देश को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राम और रामचरितमानस के बगैर वो जी ही नहीं सकते। 140 करोड़ के देश में और दुनिया भर में बैठे हुए राम भक्त जो 22 जनवरी के बाद एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना का अनुभव कर रहे हैं, इसको वाचा देने के लिए आपने समय दिया, इसलिए देश आपका हमेशा के लिए आभारी रहेगा। माननीय, मैंने आज किसी का जवाब नहीं देना है। आज मैं मेरे मन की बात और देश की जनता की आवाज को इस सदन के सामने रखना चाहता हूं, जो सालों से कोर्ट के कागजों में दबी हुई थी, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको आवाज भी मिली, अभिव्यक्ति भी मिली। माननीय, 22 जनवरी का दिन भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है, ये सबको समझ कर चलना चाहिए। मान्यवर, जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं, वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। मैं आज फिर से एक बार कहने वाला हूं मान्यवर कि 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र से भी अधिक सालों तक इस देश का ऐतिहासिक दिन है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुई एक संघर्ष और अन्याय के सामने लड़ाई का एक आंदोलन के अंत का दिन है। 1528 से चली हुई ये न्याय की लड़ाई यहां पर समाप्त। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन करोड़ों भक्तों के आशा आकांक्षा और सिद्धि का दिन है, उनकी आज आशा आकांक्षाएं सिद्ध हुई है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन समग्र भारत की मैं चाहूंगा कि समग्र भारत पर पूरा सदन गौर करे, 22 जनवरी का दिन समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनः जागरण का दिन आज इतिहास में बन चुका है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। 22 जनवरी के दिन मां भारती को विश्व गुरु के मार्ग पर ले जाने को प्रशस्त करने वाला दिन मान्यवर बनने वाला है। मान्यवर, ये देश की कल्पना राम और रामचरित्र के बगैर कर ही नहीं सकती। जो इस देश को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राम और रामचरितमानस के बगैर वो जी ही नहीं सकते। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है, ये सबको समझना चाहिए, सबको सिखाना। और इसीलिए मान्यवर, हमारे संविधान की पहली प्रत से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श राज्य की कल्पना को राम राज का नाम लिया गया, संविधान में भी राम दरबार को स्थान दिया गया। मान्यवर, जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं, वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यवर, राम व्यक्ति नहीं है, राम प्रतीक है। करोड़ों लोगों का आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम किया है। राम का राज्य किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के विशेष के लिए नहीं है। राम का राज्य, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका प्रतीक न केवल भारत, समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है मान्यवर। और इसलिए मैं मानता हूं कि राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तापित करने का काम 22 जनवरी को हुआ है, मोदी जी के हाथ से हुआ है, वो इस देश के लिए सौभाग्य का विषय है। मान्यवर, हम सब
उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो 1528 वहां पर राम मंदिर देखना चाहते हैं। पीढ़ियां चली गई, हजारों लोग, लाखों लोग शहीद हुए, संघर्ष किए, आंदोलन किए, मगर ये दिन देखना स्वप्न में नहीं आया। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि इस देश को हम देख सकते हैं।